आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामनः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये। विधि द्वारा स्थापित जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। आदित्यनाथ लोकसभाया 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सीएम होते हुए अलग अलग चुनौतियों से मोर्चा लेने का योगी आदित्यनाथ का अब खासा अनुभव है। इस वक्त चुनौती भले अलग तरह की हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी विरोधियों को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं दिख रहे। हाँ, वो हमेशा यही कहते हैं कि जिसमें सामर्थ्य है उसे ही जीतना चाहिए। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए, वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा, हमें सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ की कहानी आत्मविश्वास से लबरेज एक ऐसे युवा की कहानी है जो किसी भी सूरत में हार मानता नहीं दिखता। और सिर्फ सियासत के मैदान में ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी उनके आत्मविश्वास से जुड़ा एक किस्सा कॉलेज के दिनों का है। उनकी बायोग्राफी योगी गाथा में उनकी एक महिला सहपाठी के हवाले से एक किस्से का जिक्र है। कॉलेज के पहले साल में हम लड़के लड़कियां छात्र संघ चुनाव के लिए दुगड़ा गए थे। लौटते वक्त 6 बज चुके थे। कोई बस हमारे लिए नहीं रुक रही थी क्योंकि छात्र बिना पैसे दिए सफर करने के लिए बदनाम थे। अंधेरा हो रहा था, मोबाइल थे नहीं, इसीलिए लड़कियां और ज्यादा घबरा रही थी। कुछ लड़कियां बस रोने ही वाली थीं कि उन्होंने देखा कि अजय सिंह तेज स्पीड से आती बस के आगे अचानक खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और फिर पूरा ग्रुप सुरक्षित कोटद्वार लौट आया। इसी आत्मविश्वास के बूते योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद बखूबी संभाल लिया और कभी उग्र बयानों के लिए मशहूर रहे योगी धीरे धीरे विकास, शांति और आंकड़ों की बात करने लगे। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं ऐसी है, इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, कखड़ा क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक एक विभाग का बकायदा आपको मिल जाएगा कि कैसे हमने 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। बीते 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के तर्ज पर एक यूपी मॉडल भी विकसित कर दिया है। इस यूपी मॉडल में कानून व्यवस्था और विकास साथ साथ चलते हैं और जिसमें हिंदुत्व का तड़का खुले तौर पर लगा हुआ है। यानी एक तरफ अपराधियों के डर के मारे सरेंडर करते हुए और अपराधियों के घर ढहाते बुलडोजर वाली तस्वीरें प्रचारित होती हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होंगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। अब दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए।
तो दूसरी तरफ चमकते दमकते हाईवेज विज्ञापनों का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा अयोध्या और वाराणसी हिंदू आस्था के मुख्य स्थल के रूप में सीएम के मुख्य एजेंडे में दिखते हैं। योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के मुख्य स्टार प्रचारकों में हैं और बीते लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। पूरे यूपी में दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खोले हैं, उनकी पूरी टीम ने। ऐसे ही होता है दमदार काम, ईमानदार काम। और योगी की कहानी में हिंदुत्व की पताका लहराने के किस्से तो साथ साथ चलते हैं। वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडरों में से एक है, जिसमें राज सत्ता पाने के बाद भी धर्म सत्ता का मार्ग नहीं छोड़ा है। यानी कट्टर हिंदुओं के वो हीरो हैं जो हिंदू धर्म की बात को दबे छिपे तरीके से नहीं कहते, बल्कि डंके की चोट पर हिंदू आस्था का प्रचार और प्रसार करते हैं। 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है, हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम वो ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कि क्या हमारा वोट जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी है, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। अभिनंदन जी। मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ की सन्यासी की छवि न केवल जस की तस है बल्कि मजबूत हुई है, और इसीलिए रजनीकांत जैसा सुपरस्टार भी उनसे मिलने आता है तो सम्मान में झुककर पैर छू लेता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी सन्यासी और राजनेता की दोहरी भूमिका आसानी से जी रहे हैं। ये अगर कर्मकांड को शिद्दत से करते दिखते हैं तो विधानसभा से रैलियों तक में मजे हुए राजनेता की तरह कभी हंसी छिछोली करते दिखते हैं तो कभी विरोधियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? कल हमारे सांसद जी आए थे। आए थे फिर ही नहीं है कुछ पेमेंट करके किए। यानी क्यों नेता प्रतिपक्ष को इस पे चिढ़ है कि उत्तर प्रदेश नंबर एक पे क्यों आ गया? आप नहीं कर पाए तो आज तब भी आपको खुशी होनी चाहिए कि चलिए उत्तर प्रदेश वासियों ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल तक बर्दाश्त किया और आज कम से कम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो कम से खुशी तो होनी चाहिए आपको। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ नेतागिरी और बाबागिरी एक साथ कर रहे हैं और उनके किसी प्रशंसक को इस बात से एतराज नहीं है। आज तक ब्यूरो।